आज आगरा में यहाँ धमकारवा में जो है, ये तो भारत के कोने कोने से लोग सम्मिलित होने आए हैं। मैं दिल्ली की से आए हुए कुछ लोगों से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। मेरे साथ हैं शिशु पाल जी, जो बहुजन समाज पार्टी से। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो शिशु पाल जी, आप यहाँ आगरा दिल्ली से चल के आए हैं और मेरे को लगता है कम से कम 200 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं इस प्रोग्राम के आयोजन में। आज आके यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर जो आगरा वालों ने, धमभूमि वालों ने प्रोग्राम रखा है, जो भी यहाँ पे प्रोग्राम है, और हम पूरी दिल्ली से पूरा बस करके यहाँ पे आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, दिल्ली में भी होने चाहिए, और दिल्ली में 3 तारीख को जो रेस हो रही है उसमें भी हम जाएंगे सब लोग। और बाबा साहब का जो कारवां है, और बौद्ध धर्म को हम इसी तरह से भारत देश में फैलाते रहेंगे। जिस तरह से हम जब इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम बाबा साहब के सपने को पूरा कर पाएंगे, कि उन्होंने कहा था कि पूरा भारत एक दिन बौद्ध में होगा। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है ऐसे प्रोग्राम में आए, सफल बनाएं, अपने परिवार के साथ आए, तभी हम इस चीज़ को सफल बना सकते हैं। तो शिशुपाल जी, अभी जैसा आपने यहाँ देखा कि आज यहाँ लाखों लोगों की भीड़ और जनसमूह था और भारत के कोने कोने से लोग आए हुए थे, और देखा जाए तो ज़्यादातर महिलाएं यहाँ इस प्रोग्राम में उपस्थित थी, तो आज उन महिलाओं के विषय में कहना क्या चाहेंगे जो जिन्होंने आज के प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया है? ये बहुत अच्छी बात है और हमें महिलाओं को आगे लाना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम समाज जो है महिलाओं से ही बनता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर किसी समाज की स्थिति के बारे में आपको आकलन करना है तो उस समाज की महिलाओं को आकलन करेंगे, वो कितनी पढ़ी लिखी हैं और वो कितना सामाजिक या धार्मिक उसमें पाठ करती हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे समाज की महिलाएँ ऐसे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तभी हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा जब हम महिलाओं को साथ लेके चलेंगे। जी, आपके सवाल से आपके जवाब से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा शिशुपाल जी। जैसे कि भारत बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, आज के इस कारवा और इस कार्यक्रम को देखते हुए आप अपने शब्दों से क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, अच्छा प्रयास है, मगर अभी हमें बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। ऐसे ही प्रयास जगह जगह पर करने चाहिए, जैसे आगरा में हुआ है, ऐसे ही पूरी इंडिया के अंदर प्रोग्राम होने चाहिए, और हमें धार्मिक रूप से इकट्ठा होना जरूरी है। जब तक हमारी धार्मिक और सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होगी तो हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें धार्मिक रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे हमारे जो मानसिक गुलामी है, जो हमारे समाज के अंदर पाखंडवाद फैला हुआ है, वो हम दूर कर सकें और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल सकें, तभी हमारा भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय।